हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्री डायमेंशनल आर्ट, यानी कि 3D आर्ट फॉर्म्स के बारे में, या 3D आर्ट के बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ये आप लोगों का BEd के सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहता है, आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा। उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को देखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ 3D आर्ट, मेथड्स ऑफ 3D आर्ट एंड फॉर्म्स ऑफ 3D आर्ट। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ 3D आर्ट। तो 3D आर्ट ऐसी ऑब्जेक्ट या आर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनके हम 3 डायमेंशंस देख पाते हैं या उसको मेजर कर पाते हैं, जैसे कि उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई हम नाप सकते हैं, उसकी डेप्थ यानी गहराई एंड हाइट यानी कि ऊंचाई। ये 3 डायमेंशंस जिस भी ऑब्जेक्ट में हमको देखने को मिलते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। 2D आर्ट फॉर्म में क्या होता है, हम सिर्फ 2 ही डायमेंशंस देख पाते हैं, लेंथ एंड उसकी विड्थ, बल्कि 3 डायमेंशंस में 3 डायमेंशंस जो है वो हमको 3D में 3 डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें किस किस प्रकार की चीज़ें आती है। तो पहला यहाँ पे आता है मूर्तिकला को भी आप 3D आर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन वर्क हो रहा है यानी कि कुछ चीज़ आप स्थापित कर रहे हैं वो भी आपका 3D आर्ट फॉर्म में काउंट होगा। आप कोई परफॉर्मेंस आर्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि कोई डांस ड्रामा या म्यूज़िक आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी आपका 3D आर्ट फॉर्म में काउंट होगा। और ये 3D आर्ट में क्यों काउंट होगा, क्योंकि डांस ड्रामा या म्यूजिक के लिए हमको लोगों की जरूरत होती है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हमको चाहिए, ग्रुप नहीं तो एक सिंगल व्यक्ति भी, जो कि जैसे हम हैं, मतलब कोई इंसान हमको चाहिए होता है जो कोई मैसेज कन्वे कर पाए, जो रियल जो है इंसान है। तो ये भी जो है 3D आर्ट फॉर्म में आएगा, परफॉर्मेंस आर्ट यानी कि डांस ड्रामा एंड म्यूजिक। डेकोरेटिव आर्ट यानी कि साज सजावट का जो भी आर्ट फॉर्म आर्ट रहता है वो भी 3D में आएगा। एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, कोई भी सामग्री, कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि आप उसकी हाइट, विड्थ एंड डेप्थ जो है वो नाप सक रहे हैं, तो वो भी आपका 3D ऑब्जेक्ट या आर्ट फॉर्म में इंक्लूड होगा। और इसको बनाने के लिए 2 जो प्रोसेस हैं वो होता है यहाँ पे बताया गया है। पहला होता है एडिटिव और दूसरा होता है सब्ट्रैक्टिव। अब एडिटिव यानी कि ऐड करना या मिलाना, यानी कि आप किसी चीज़ में कुछ चीज़ को मिला रहे हैं और उन चीज़ों को, यानी कि कोई जैसे कि मान लीजिए मिट्टी है, क्ले है, तो क्ले को आप आपस में जोड़ जोड़ के कोई शेप बना रहे हैं या कोई पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, कोई मूर्ति बना रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होता है 3D आर्ट फॉर्म को या ऑब्जेक्ट को बनाने का। और दूसरा सब्ट्रैक्टिव यानी कि अलग करना या हटा देना, जैसे कि आपने कोई लकड़ी ली, लकड़ी से आप कोई चीज़ बनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी लकड़ी आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो उसका एक्सेस पार्ट रहता है वो आप काट करके हटा देते हैं और जितना आपको पोर्शन चाहिए उसी में ही आप अपना डिज़ाइन या पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, 3 डायमेंशनल आर्ट्स आर डिफाइंड थ्रू द डायमेंशंस ऑफ हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इट इंक्लूड्स स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्मेंस आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। 2 प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल 3D आर्ट। 3D आर्ट में 2 तरीके की प्रक्रियाएं जो है वो होती ही होती हैं। पहला होता है एडिटिव इन विच मटेरियल इज बिल्ड अप टू क्रिएट फॉर्म, और दूसरा होता है सब्ट्रैक्टिव वेयर मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मास सच एज अ चंक ऑफ स्टोन, वुड और क्ले। तो ये था मीनिंग ऑफ 3D आर्ट। नेक्स्ट हमको देखना है मेथड्स ऑफ 3D आर्ट। तो पहला मेथड जो लिखा हुआ है वो है कार्विंग। कार्विंग का मतलब होता है खुदाई करना या फिर आप कह सकते हैं नक्काशी करना। आपने कोई लकड़ी ली है या आपने कोई ग्लास लिया हुआ है या आपने कोई कुछ इस टाइप का कुछ हार्ड चीज़ आपने लिया हुआ है, कोई हार्ड मटेरियल आपके पास है, उसमें आप जो एक्सेस पार्ट है उसको हटाएंगे और उसकी नक्काशी करेंगे या उसमें खुदाई करेंगे। एक शार्प टूल या जो औजार है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको एक पैटर्न, उसमें एक पैटर्न बनाएंगे या उसको एक शेप देंगे। तो ये आपका एक मेथड है जो कि 3D आर्ट फॉर्म में यूज़ होता है, कार्विंग। इट यूजेस द सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस टू कट अवे एरियाज फ्रॉम अ लार्जर मास,
यानी कि एक लार्जर कोई मास रहेगा आपके पास, यानी कि जैसे कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा हो गया, उसको आप पूरा ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें से जो एक्सेस है उसको हटा देंगे यूजिंग चीजल्स एंड अदर शार्प टूल्स, यानी कि छेनी का या फिर अदर कोई भी धारदार ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसमें नक्काशी करेंगे या उसकी खुदाई करेंगे, और उसको तब तक आप तराशते जाएंगे जब तक वो एक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो पैटर्न आपने सोचा हुआ है उसमें वो नहीं आ जाता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड में कास्टिंग। कास्टिंग का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई लिक्विड मटेरियल रहेगा, सिरेमिक या कोई मेटल जैसा पिघला हुआ कोई धातु रहेगा या सिरेमिक रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसको आप किसी सांचे में ढालेंगे, उसके बाद वो सांचा जो रहेगा वो हॉलो रहेगा अंदर से, मतलब उसके अंदर स्पेस होगा ताकि जो आपका लिक्विड है वो पूरा उसमें समा सके, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे ताकि वो लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होके जो है हार्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक शेप जो है वो प्रॉपर शेप जो आपने सोची है वो ले ले। तो ये होता है कास्टिंग, यानी कि ढलाई करके कोई ऑब्जेक्ट जो है आप बना रहे हैं, लिक्विड लेके एक सांचे में ढाल के उसको हार्ड होने के लिए जो है आप छोड़ रहे हैं, तो ये होता है कास्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि किसी चीज़ को कोई शेप में ढालना या उसको कोई बनावट देना, कोई शेप देना, चाहे आप इसके लिए प्लास्टर का यूज़ करें, क्ले का यूज़ करें या इस तरीके को कोई सॉफ्ट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मनचाही डिज़ाइन में उसको जो है ढालना, ये होता है आपका मॉडलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन यानी तो निर्माण करना, पर इसको दूसरे और उसमें मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा असेंबलेज, यानी कि आपके पास अलग अलग पीस हैं ऑब्जेक्ट्स के, उसको एक साथ आप जोड़ रहे हैं, चाहे आप उसको वेल्डिंग करके आपस में जोड़ें, चाहे आप किसी ग्लू के थ्रू उसको आपस में जोड़ें, या आप बोल्ट एंड वायर्स के थ्रू उसको आपस में जोड़ें। कोई भी मटेरियल कुछ आपको कहीं से मिला या कोई और आर्ट ऑब्जेक्ट है जो कि अब ख़राब हो गया या उसका कुछ पोर्शन टूट गया, तो वहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं, या कोई न्यू चीज़ ही आपने परचेस करके लाई हो, अलग अलग पीसेस या ऑब्जेक्ट्स आपके पास, उसको आप एक जगह पे एक साथ जो है असेंबल करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला वेल्डिंग के थ्रू, ग्लू के थ्रू या बोल्ट वगैरह के थ्रू, और उससे एक नया ऑब्जेक्ट जो है आप बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण करेंगे। तो ये भी एक मेथड होता है 3D आर्ट फॉर्म क्रिएट करने का। नेक्स्ट हमको देखना है फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रकार क्या क्या होते हैं 3D आर्ट के। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग यानी कि वही रहता है कि हम मिट्टी लेते हैं, उसको अपना मनचाहा जो है शेप देते हैं और उससे जो है ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करते हैं या उनको मैन्युफैक्चर या क्रिएट करते हैं। अब क्ले जो है वो होती क्या है, जो चट्टान जो आपस में टकरा के या पानी वगैरह जो है उसका घिस जाती है, वो जो उसका बुरादा निकलता है, या रॉक है या कोई स्टोन है उसको जब हम क्रश कर देंगे तो वो बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी, तो वही क्ले यानी कि मिट्टी कहलाती है। उसका इस्तेमाल करके भी जो है हम अलग अलग पैटर्न या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर। तो ये सब आप जानते ही हैं कि इसमें भी मूर्ति हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं, चाहे हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे हम ग्लास का इस्तेमाल करते हुए, प्लास्टर का इस्तेमाल करते हुए, रबर का, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्ले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्स मोम यानी कि स्टोन, मेटल, ग्लास, वुड, प्लास्टर, रबर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है आप अपनी मनचाही मूर्ति जो है बना सकते हैं। ऐसी मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या, जिसमें 3D हमको देखने को मिलती है, उसकी विड्थ, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, ये सारी चीज़ें हम देख पाएं। नेक्स्ट है पोट्री। पोट्री होता है, पोट्री इज मेड बाय फॉर्मिंग अ सिरेमिक बॉडी इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ रिक्वायर्ड शेप एंड हीटिंग देम टू हाई टेम्परेचर्स इन किल्न विच रिमूव्स ऑल द वाटर फ्रॉम द क्ले। मिट्टी हम लेते हैं या सिरेमिक किसी भी प्रकार का लेते हैं, यहाँ पे सिरेमिक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफन क्ले, यानी कि मिट्टी ही आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम वाटर या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके उसको शेप देते हैं अलग अलग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद जब वो उस शेप में क्रिएट हो जाता है तो वैसे का वैसा ही हम उसको जो है गर्म भट्टी में डाल के छोड़ देते हैं, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, आग
जो है वहाँ पे लगाते हैं ताकि उसका हाई टेम्परेचर हो भट्टी का, उसके बाद उस जो भी अपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको उसमें डाल देते हैं, उससे उसका सारा मॉइस्चर जो है वो हट जाता है यानी कि सूख जाता है और वो एक सॉलिड फॉर्म में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन के क्रिएट हो जाता है। तो ये आता है पोटरी के अंदर, तो ये भी एक फॉर्म होता है 3D आर्ट क्रिएट करने का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए भी हम अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स या आर्ट फॉर्म्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इट लेंड्स इटसेल्फ टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स एज इट कैन फॉर इंस्टेंस बी फोल्डेड, यानी कि पेपर्स के थ्रू हम अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम पेपर को फोल्ड करके उसको कट करके या मोल्ड करके या स्टिच करके या फिर लेयर करके यानी कि एक के ऊपर एक परत लगा करके अलग अलग तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं, कुछ भी डेकोरेटिव आइटम हम बना सकते हैं या जो भी क्राफ्ट्स होते हैं पेपर क्राफ्ट जो है हम बना सकते हैं। पेपर इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मीडियम, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं होता है और रेडिली अवेलेबल, इसको हमको नहीं बनाना पड़ता, कहीं भी शॉप में मार्केट में आपको ईजिली पेपर्स अवेलेबल रहते हैं। क्राफ्ट पेपर बोलने से काफ़ी सारे पेपर जो हैं आपको मिल जाते हैं। एंड ईजियर टू वर्क विथ, यानी कि पेपर्स के साथ काम करना ईजी होता है। लकड़ी या क्ले वगैरह या ग्लास वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर पेपर्स के साथ वर्क करना ईजी रहता है। पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए भी आप 3D ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म मेकिंग यानी कि मोशन पिक्चर्स बनाना। जैसे कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट आपको बताया था कि डांस ड्रामा या म्यूज़िक हम कुछ प्रेजेंट करते हैं तो लोगों की यानी कि इंसानों की ज़रूरत होती है जो कि उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें एक ऑडियंस के सामने, तो यही चीज़ जो होती है फिल्म मेकिंग में होती है, इसलिए फिल्म मेकिंग को 3D आर्ट का एक पार्ट जो है वो माना गया है। इसमें चीज़ें स्टार्टिंग से आती कि आपने किसी एक्ट के बारे में या किसी मैसेज के बारे में सोचा, उस पर रिसर्च किया कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि नहीं, उसकी आपने स्क्रिप्टिंग की, उसके बाद उसको आप शूटिंग करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और देन उसको आप जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका फिल्म मेकिंग में हो जाएगा कि एक मोशन पिक्चर क्रिएट करना, ये भी आप लोगों का 3D आर्ट फॉर्म का एक टाइप होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमको देखना है 3D एनिमेशन आर्ट। 3D एनिमेशंस वगैरह आप सब जानते हैं, ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती हैं जो रियल नहीं होती। देखिए 3D हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ रियल हो जिसमें वास्तविकता हो, ड्राइंग पेंटिंग जैसी कोई चीज़ ना हो, जिसको हम छू के देख सकें, उसकी गहराई उसकी ऊंचाई सब कुछ हम नाप सकें, जो ओरिजिनल हो, ऐसी चीज़ों को ही जो रियलिस्टिक मटेरियल्स होते हैं उनको ही 3D में लेते हैं। पर एनिमेशन बोलने से क्या हो जाता है कि कंप्यूटर्स वगैरह के थ्रू जो है चीज़ें बनाई जाती हैं वो रियल होती नहीं है, पर उसको बनाने में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स जो लगती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो हमको बिल्कुल रियलिस्टिक ही लगे, उसमें कोई नकली चीज़ या ऐसा कि हम पर्दे के पीछे से देख रहे हैं इस टाइप की फीलिंग ना आए, बिल्कुल रियल वाली जो है वो फीलिंग आए। तो ये भी जो क्रिएट करते हैं हम 3D एनिमेशन आर्ट, ये भी आप लोगों का 3D आर्ट फॉर्म के अंदर ही आता है। तो उम्मीद है कि 3D आर्ट के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, मीनिंग क्या होता है हमने देख लिया, 3 डायमेंशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, विड्थ उसके डेप्थ और उसकी हाइट, उसके बाद दो प्रोसेस होते हैं देख लिए, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में आप दो चीज़ों को या एक से अधिक चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ बनाते हैं और सब्ट्रैक्टिव में आप जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको हटा के चीज़ें बनाते हैं। आप उसको खुदाई करके बना सकते हैं 3D आर्ट फॉर्म में या ढलाई करके बना सकते हैं, किसी चीज़ की बनावट देके या एक साथ अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके आप 3D आर्ट्स बना सकते हैं। और उसके बाद हमने फॉर्म्स देखे कि मूर्तिकला हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एनिमेशन आर्ट हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, पोटरी हो गया, ये सारी चीज़ें भी मिट्टी से चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें जो है प्रकार होते हैं 3D आर्ट फॉर्म के। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि कंटेंट जो है सभी स्टूडेंट्स तक जा सके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि इस तरीके के कंटेंट आप लोग को मिलते रहें, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।